हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। एक ऐसा सेशन जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी उन बच्चों की जो सेमेस्टर एग्जाम को लेकर थोड़े से चिंतित हैं, थोड़े से टेंस में है कि सर क्या सेमेस्टर एग्जाम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा, एक मैं हॉनेस्ट टॉक लेकर आया हूं, एक सच्चाई बताने जा रहा हूं आपको, एक ऐसी सच्चाई जिसे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर एग्जाम को बहुत लाइटली भी ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली भी ले रहे हैं कि सर सेमेस्टर एग्जाम है, बहुत टेंशन आ रही है मुझे, भले ही इसका मार्क्स बोर्ड में नहीं जुड़ेगा लेकिन सर मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कुछ बच्चे बड़े आराम से बोलते हैं, एकदम मजे कर रहे हैं कि सर सेमेस्टर ही तो है, अरे क्या फर्क पड़ेगा, बोर्ड में जाके मैं फोड़ूंगा बढ़िया से एकदम, जब मेरा प्रीलिम होगा तब मैं दिखाऊंगा मैं कौन सी चीज हूं, क्या तोप हूं मैं। तो उन सारे बच्चों से एक बहुत ही बोलते ना कि रियल जो सिचुएशन है, या बोल सकती हूँ कि जो ईमानदारी से जो एक सिचुएशन होती है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सही मायने में आपको क्या करना चाहिए और सेमेस्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है और कैसे सेमेस्टर की मदद से आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छे मोड पर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत प्यारा सा सेशन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि सर क्या सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्या सेमेस्टर एग्जाम का इफेक्ट जो है बोर्ड पर पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर एग्जाम का जो इफेक्ट है वो बोर्ड पर तो नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप सोचेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम में मेरे अच्छे आ गए तो मेरा बोर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, तो डायरेक्टली रिजल्ट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई रिपोर्ट कार्ड में कुछ आपको एडिशन होकर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कोरोना वाले बच्चों को पता होगा, जो आपके सीनियर्स थे उनको मालूम है कि भाई सेमेस्टर प्रीलियम का महत्व तो एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पर पड़ा था, लेकिन आपके लिए ऐसा कोई प्रावधान बोल सकते हो, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि सेमेस्टर का इफेक्ट डायरेक्टली आपको बोर्ड के एग्जाम या बोर्ड के रिजल्ट पे पड़े। लेकिन क्या सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का जवाब है यस यस यस, सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, आप क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, मैं तो बड़ा लाइटली लेकर बैठा हूं, मतलब मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, क्या सेमेस्टर एग्जाम तो मैं आराम से प्रीलिम में फोड़ूंगा, तो मैं तो बड़े रिलैक्स मूड में बैठा हूं, तो क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो उसके ऊपर आज बड़े प्यारी से यहां पर बात होने वाली है। ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा हर एक चीज। अगर मैं सेमेस्टर की बात करूं तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे को 50% सिलेबस इस समय आ रहा होगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी लेकर बैठे होंगे, जैसे कि मान के चलो कि आपके पास 8 चैप्टर एक एवरेज पकड़ो 16 में से आ रहा है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, और सेमेस्टर एग्जाम में 8 में से आपका 5-6 चैप्टर पढ़ के हुआ है और इसलिए आप बड़े टेंस हो, आपको मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पढ़ाई कम हुआ है, आप इसको लेकर बड़े चिंतित हो और इसी वजह से आपको वो फील नहीं आ रहा है सेमेस्टर एग्जाम देने का, आपको डर लग रहा है कम मार्क्स आएंगे, छोड़ो मैं देता ही नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फर्क पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके फाइनल जो बोर्ड एग्जाम है उसके प्रिपरेशन पे फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पे पड़े ना पड़े उसके प्रिपरेशन पे फर्क पड़ेगा। समझाना चाहूंगा डिटेल में, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। अगर बच्चा, अगर आप 8 चैप्टर आपके सेमेस्टर में आ रहा है और आपका उसमें से 5 चैप्टर पढ़ के हो गया है, 3 से 5 में लिखूंगा क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, एक एवरेज पकड़ रहा हूं, 3 से 5 अगर आपका चैप्टर पढ़ के हो गया है तो आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि जब तक सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट नहीं होती 2-3 चैप्टर और ऐड कर लो, मतलब मे बी 5 से 7 चैप्टर तक कर लो, ठीक है। तो 5 से 7 चैप्टर हम मान के चलते हैं कि आपका पढ़ के हो जाएगा शायद से सेमेस्टर के एग्जाम एग्जाम तक। अब बच्चा सेमेस्टर सर बड़ा इंपॉर्टेंट आप बोल रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हो सर, बिकॉज अगर ये 5 से 7 चैप्टर को आप बच्चा जान लगा दे तो इसमें क्या लगा देंगे आप, पूरा का पूरा जान अगर आप लगा देते हो तो सर इससे फायदा क्या होगा, अगर आप इसमें जान लगा देते हो तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इस 5 से 7 चैप्टर में बोर्ड के टाइम पर टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका बढ़िया से रिवीजन हो चुका है, पढ़ तो आप पहले ही चुके हो, बस आपको रिवाइज करना है, थर्ली प्रिपेयर करना है, एक रात जागने की प्रैक्टिस करनी है कि एक रात कैसे हम एग्जाम देते हैं, एक रात वो खतरनाक रात जो है उसको फील लेना है अभी से, और वो फील आपको सेमेस्टर का एग्जाम दिलाएगा जिसमें 5 से 7 चैप्टर रहेंगे आपने पढ़े हैं, और ये 5 से 7 चैप्टर में अगर आप जान लगा देते हो तो गारंटी मान लो कि आपका सेमेस्टर भी अच्छा जाएगा और ये आपके 16 चैप्टर में से जो आपके 5-7 चैप्टर होंगे वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आपने इनको उस लेवल पर पढ़ाई कर ली है, उस लेवल पर आप इनको फोड़ दिया है जहां पर आप इनको भूलने वाले नहीं हो, सही बात है। और सोचो कि अगर 5-7 चैप्टर आपके हो चुके हैं तो बचेंगे कितने सर, 10 से 9 चैप्टर, 9 चैप्टर 8 चैप्टर इतने ही बचेंगे आपके पास पढ़ने के लिए, सही मायने में नया करने के लिए। तो आपके पास अभी अक्टूबर का महीना जो बचा हुआ है वो तो चला जाएगा एग्जाम में, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीना है,
तीन महीने में अगर आप छोटे छोटे चैप्टर को निकाल देते हो तो आपको हार्डली पांच चैप्टर या चार चैप्टर अच्छे अच्छे जो रहेंगे वो पढ़ना रहेगा, जिसके ऊपर आपको रियल मेहनत करनी पड़ेगी। और जब चैप्टर कम होता है ना मेरे भाई, तो पढ़ने का रिविजन करने का मजा ही कुछ अलग होता है, बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि सेमेस्टर एग्जाम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये कंसेप्ट समझा, क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो सारे के सारे बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सेमेस्टर एग्जाम को ऑन हाई प्रायोरिटी बेसिस पे रखो। मतलब सेमेस्टर एग्जाम में जो चैप्टर आपको आ रहा है उसमें पूरा का पूरा जान लगा दो। बट बहुत सारे बच्चे इस तरह से कि सर मैंने तो कुछ ऑनलाइन बैचेस ली हुई है, वहां पर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ अलग चल रहा है और एग्जाम में कुछ अलग आ रहा है, तो हम बड़े कंफ्यूज वाले मोड में हैं। जैसे हमारे शोर वाले बच्चे होंगे, ठीक है, अब उनकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि अगर वो हमारे बच्चे हैं और उनको लग रहा है कि सर आपने जो चैप्टर पढ़ाया है, हमारा 8-9 चैप्टर हो गया है, तो सर आपने जो पढ़ाया है वो चैप्टर के अलावा कुछ और भी चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे बच्चों को तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप बच्चा हमारे शौर्य में ऑलरेडी शौर्य 1.0 का भी लेक्चर रखा है, अगर आपको लग रहा है कि यार टाइम है मेरे पास, पढ़ने का टाइम है मेरे पास, मैं सब कुछ कर लिया हूं, 8 में से मेरे 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर बचा है, 1 चैप्टर बचा है, वो करना चाहता हूं मैं, बट सर अभी तक कराया नहीं है, तो आप हमारे पुराने लेक्चर से आराम से रिकॉर्डेड देख सकते हो, LMR सीरीज भी मैंने डाला हुआ है, वहां से आप पढ़कर उस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आप ब्लैंक मोड में मत जाओ। और इसी बहाने आपका चैप्टर होगा, और जब मैं कराऊंगा उस चैप्टर को, तो उस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा, अलग लेवल पर होगा, अलग लेवल पर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करूंगा। तो अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालूं तो भाई सेमेस्टर एग्जाम में पूरी जान लगा दो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।